नमस्ते, मैं बुनियादी भाषा और गणित की शिक्षिका हूँ। इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि संदर्शिका और कार्यपुस्तिका गणित शिक्षण में मेरी कैसे मदद करती है। संदर्शिका और अभ्यास पुस्तिका मेरी तीन प्रकार से सहायता करती है। पहली, कक्षा में पढ़ाने की तैयारी कैसे करनी है। दूसरी, पढ़ाते समय कौन कौन सी गतिविधियाँ करवानी है। और तीसरी, बच्चों को क्या सिखाया जाना है और कैसे उसे ट्रैक करना है। आइए देखते हैं संदर्शिका, अभ्यास पुस्तिका और अन्य सभी शिक्षण सामग्रियाँ इनमें कैसे मेरी सहायता करती है। अच्छे शिक्षण के लिए जरूरी है अच्छी तैयारी। मैं अपनी तैयारी एक दिन पहले संदर्शिका की मदद से करती हूँ। मुझे कल कौन सी शिक्षण योजना पढ़ानी है, कौन सी गतिविधि करवानी है, कैसे करवानी है, ये सब मुझे संदर्शिका की सहायता से पता चलता है। कौन सी गतिविधि के दौरान क्या सामग्री प्रयोग करनी है, यह भी मुझे संदर्शिका से ही पता चलता है। और इससे मेरे अगले 2-3 दिन क्या पढ़ाया जाना है उसकी तैयारी हो जाती है। सबसे पहले मैं संदर्शिका में जहाँ पर कंटेंट है वह देखती हूँ। वहाँ से मुझे पता चलता है कल मुझे क्या पढ़ाना है। अभी मैं फटाफट जोड़ अध्याय में हूँ और कल मुझे संख्या संक्रियाएं में घटाव पढ़ाना है। अब मैं देखूंगी कि उस लेसन प्लान में क्या जानकारी दी गई है। गणित के हर लेसन प्लान को 6 स्टेप में कराया जाना है। मैं ये सभी 6 स्टेप अच्छे से देखूंगी। हर लेसन प्लान में किस स्टेप को कौन से दिन करवाना है यही पर दिया गया है। लेसन प्लान की शुरुआत में माइक्रो कॉम्पिटेंसी दी गई है। इस लेसन प्लान की माइक्रो कॉम्पिटेंसी है अमूर्त रूप में 2 अंकीय संख्याओं में से 1 अंकीय संख्याओं को घटाना। इस लेसन प्लान पढ़ाने के लिए जो शिक्षण सामग्री चाहिए वह भी यही पर संदर्शिका में दी गई है। इस लेसन प्लान के लिए पीले और हरे काउंटर्स चाहिए तो कल के लिए मैं वो तैयार रखूंगी। इस लेसन प्लान को भी स्टेप बाय स्टेप पढ़ाना होगा। इस लेसन प्लान में भी हर एक स्टेप वह कौन से दिन पढ़ाना है इसे संदर्शिका में यही पर दाहिनी तरफ दिया गया है। मैं देख रही हूँ कि इस लेसन प्लान को 5 दिन में पढ़ाया जाना है। स्टेप 1 पहले दिन, स्टेप 2 दूसरे दिन, स्टेप 3 तीसरे दिन, स्टेप 4 चौथे दिन, स्टेप 5 पांचवे दिन पढ़ाया जाना है और स्टेप 6 में 5वें दिन ही आकलन होना है। अभी मैं हर स्टेप को पढ़ाने के निर्देश अच्छे से पढ़ती हूँ। स्टेप 5 में मुझे इस लेसन प्लान से संबंधित वर्कशीट बच्चों को अभ्यास के लिए देनी है। इस लेसन प्लान के लिए मुझे पेज 49 पर दी गई वर्कशीट बच्चों को अभ्यास के लिए देनी है, तो मैं उसे चिन्हित कर लेती हूँ। इन सभी गतिविधियों की तैयारी के बाद मैं लेसन को पढ़ाने के लिए जिस भी सामग्री की जरूरत होती है वह एकत्रित कर लेती हूँ। मुझे इस लेसन प्लान के लिए संदर्शिका, अभ्यास पुस्तिका, हरे और पीले ब्लॉक्स की आवश्यकता है। अब अगले 6 दिन मैंने जो पढ़ाना है उसके लिए मैं तैयार हूँ। कक्षा 2 की संदर्शिका में पृष्ठ 57 पर यह लेसन प्लान है। स्टेप 1 में मैं घटाव का पूर्व ज्ञान दोहराऊंगी। कल मैं कितने पेन लाई थी? 2। कितने लाई थी? 2। उसमें से 1 पेन मेरा नीचे गिर गया था, फिर कितने रह गए थे मेरे पास? 1। स्टेप 2 में मुझे अवधारणा निर्माण के ऊपर कार्य करना है। मैं अवधारणा निर्माण के लिए हरे और पीले बॉक्स का प्रयोग करूंगी। इस गतिविधि को मैं अलग अलग संख्याओं के साथ करूंगी। क्योंकि ये तो मेरे पास ही 1 है, तो मैं 2 कैसे दे देती हूँ? इसलिए किसमें से घटाते हैं जब हमारे पास चीजें ज्यादा होती हैं। स्टेप 3 में मैं मूर्त रूप से TLM द्वारा अवधारणा को सुदृढ़ करूंगी। स्टेप 4 में मैं पिछले दिन करवाई गई गतिविधि की मदद से अवधारणा को और अधिक मजबूत करूंगी।
हालांकि हम समूह में इस गतिविधि को करेंगे और फिर गतिविधि को दोहराएंगे। उसके बाद स्टेप 5 पर कार्य करना है। वर्कशीट में एक प्रश्न बोर्ड पर मैं खुद हल करके दिखाऊंगी। उसके बाद बच्चे वर्कशीट पर सारे प्रश्न खुद हल करेंगे। स्टेप 6 में मूल्यांकन करना है। इसके लिए संपर्क स्मार्ट शाला एप्लीकेशन मुझे मदद करती है। उसे देखकर मैं मूल्यांकन के सभी प्रश्नों को बच्चों से पूछकर उन्हें ट्रैकर पर चिन्हित करती हूँ। मैं मूल्यांकन के बाद बच्चों की प्रगति को स्किल पासबुक पर अंकित करती हूँ। इस तरह शिक्षक संदर्शिका मुझे मेरी तैयारी में मदद करती है और स्टेप 6 की प्रक्रिया यानी आकलन के बाद स्किल पासबुक को आसानी से भरने में भी सहायता प्रदान करती है। आशा है वीडियो से आपको गणित शिक्षण प्रक्रिया को समझने में आसानी होगी। धन्यवाद।